वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लास्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड टॉपिक इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस टॉपिक में हम ब्लड को स्टडी करेंगे। बट स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी इस ब्लड वाले पार्ट को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे ब्लड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। तो अगर हम बात करें ब्लड की स्टडी को, तो ब्लड की स्टडी को हम क्या टर्म देते हैं, हीमेटोलॉजी। और हमारे बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको हम टर्म क्या देते हैं, हीमोपोएसिस। अगर हम कलर की बात करें ब्लड की, तो रेड कलर का होता है। पीएच कितना होता है, 7.4 मीन स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अगर हम वेट की बेसिस पे बात करें तो हमारे ओवरऑली बॉडी के वेट का 7 to 8% पार्ट क्या करता है, फॉर्म करता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 5 to 6 लीटर मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में 4 to 5 लीटर क्या होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम कंपोजिशन की बात करें ब्लड की, तो ब्लड में दो पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, जो 55% पार्ट को क्या करता है, फॉर्म करता है ब्लड के। और सॉलिड पार्ट जिसको हम ब्लड कॉर्पस पढ़ते हैं, जो 45% पूरे ब्लड का पार्ट को फॉर्म करता है, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा ओवरऑली पूरे ब्लड का 55% क्या करता है, फॉर्म का, ब्लड का 55% फॉर्म करता है पार्ट। और ओवरऑली हम बोलते भी हैं ब्लड के मैट्रिक्स को हम क्या टर्म देते हैं, प्लाज्मा। ये लाइट येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजेन, या दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन, जो बाइल पिगमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर हम कंपोजिशन की बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में मेनली 90 to 92% वाटर होता है। सॉलिड पार्ट 8 to 10% होते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, जो मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उसमें सीरम एल्ब्यूमिन है, सीरम ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, जो ओवरऑली 7% पार्ट फॉर्म करता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में Na+, Ca+, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट, जो 1% फॉर्म करता है पार्ट को। ऑर्गेनिक में बाकी अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें नॉन पोटेनियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जैसे आपके यूरिया है, अमोनिया है, अमाइनो एसिड है, आपके न्यूट्रल फैट है, ग्लूकोज है, जो 1 to 2% पार्ट करता है फॉर्म प्लाज्मा का। अदर की बात करें तो रिस्पिरेटरी गैसेज भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे एंटीबॉडी और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट्स को एंड रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को। अगर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें, तो मेम्ब्रेन RBC कैसा होता है आपका, रेड ब्लड सेल वाई कॉनकेव होता है, सर्कुलर होता है और नॉन न्यूक्लियेटेड होता है। मींस जब हम बात करते हैं ना, जब उसकी ओरिजिन होती है, तो उस समय क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है RBC में, बट जैसे ही जैसे वो मैच्योर होता है RBC, उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, डिजनरेट होता है। अब रीजन मैंने आपको सेल चैप्टर में बताया था, सेल RBC क्या काम करता है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस या बड़े ऑर्गेनेल्स सारे क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस क्या होता है, वहाँ पे डिजनरेट हो जाता है। अगर हम बात करें बाइकॉनकेव शेपी क्यों होता है RBC का, तो बाइकॉनकेव शेप करता क्या है, RBC की सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें न्यूक्लियस का एब्सेंस या प्रेजेंस बाइकॉनकेव शेप एंड मोर हीमोग्लोबिन RBC में फील होना ऐसा बता सकते हैं। मीन्स जैसे आप बोल सकते हो ना कि उसमें उससे बाइकॉनकेव होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसमें मैक्सिमम हीमोग्लोबिन क्या होंगे, RBC के साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे। और RBC ही मेन क्या काम करता है, बोलता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उतना ही ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मेरे भी पॉसिबल है। एक्सेप्शन क्या लिख रखा है कि किसके RBC में, आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो कैमल और लेमा जो दो मैमल हैं, जिसमें RBC कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, और जो ओवल शेप होता है, और जो न्यूक्लियस कैसा होता है, मीन्स उसके RBC में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है मैच्योर होने के बाद भी। एंटीजन की बात करें ब्लड ग्रुप में, तो सारे एंटीजन ब्लड ग्रुप यानी RBC में के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सारे ब्लड ग्रुप के एंटीजन, जैसे आप बोलते हो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी और ओ एंटीजन, ये सारे एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC के सरफेस पे। अगर आप RH एंटीजन की बात करो, तो RH एंटीजन भी कहाँ प्रेजेंट होता है,
आरबीसी के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट होगा तो आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव ब्लड होता है, अगर एबसेंट होता है एज फैक्टर तो आपने क्या पढ़ा है, नेगेटिव ब्लड होता है। फिर अगर हीमोग्लोबिन की साइज बोलें आरबीसी में कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन की साइज जो होता है आरबीसी की ह्यूमन में वो 7.4 माइक्रोन की होता है। वो दो कंपोनेंट से बने होते हैं, पहला हीम जो 5% पार्ट को बनाता है, ग्लोबुलिन जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो जो 95% पार्ट को फॉर्म करता है। ओवरऑली कैसा होता है आपका 7.5 माइक्रोन का क्या होता है इनका साइज की बात करें, यार हीमोग्लोबिन की होता है आरबीसी में ह्यूमन के। अगर हम बात करें रैबिट में जो लिपिड पार्ट होता है वो कितना होता है 6.9 माइक्रोन, और जो प्रोटीन पार्ट होता है वो कितना होता है आपका 35 माइक्रोन का होता है। लाइफ स्पेन की बात करें आरबीसी की, तो ह्यूमन में लाइफ स्पेन कितनी होती है आरबीसी की 120 डेज, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती है 100 डेज, रैबिट में कितनी होती है 80 डेज, और अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में कितनी होती है 100 डेज। वैसे हमें ह्यूमन पे ही कंसंट्रेट ज़्यादा करना है, आपके एग्जाम में ह्यूमन पे या आप बोल सकते हो कि न्यू बॉर्न बेबी से ही क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो ह्यूमन में कितना होता है 120, और बात करें न्यू बॉर्न बेबी में तो कितना होता है 100 डेज। एवरेज लाइफ स्पेन बात करें आरबीसी की सारे मैमल में वो कितने के एवरेज के बीच में होता है 122-127 डेज। अभी बताया हीमोपोसिस का मतलब क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन, और हमारे बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है मेनली एडल्ट में रेड बोन मैरो से। बट हम बात करें ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहाँ से फॉर्म होते हैं, लीवर से, स्प्लीन से, प्लेसेंटा में और थाइमस ग्लैंड, ये सारे किस पे पार्टिसिपेट करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन पर, कब, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज की हम बात करते हैं तो। पर एडल्ट में अगर हम बात करें तो उसमें किस कहाँ से फॉर्म होगा, रेड बोन मैरो से। नेक्स्ट हम बात करें रेड ब्लड सेल में, तो अगर आरबीसी काउंट पे हम बात करते हैं तो आरबीसी काउंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड आरबी काउंट, या आरबीसी काउंट का मतलब क्या होता है कि एक क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में जितना अगर आप डिसाइड करो कितना ब्लड आरबीसी प्रेजेंट होता है उसी को हम टर्म देते हैं आरबीसी काउंट। जैसे आप अभी तो लेबोरेटरी वगैरह में हम इसको काउंट करते हैं कि वहाँ पे एरिथ्रोसाइट काउंटर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि जैसे आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हो वैसे ही क्या होता है बहुत सारे स्मॉल क्यूबिक बॉक्स बने होते हैं, पर बॉक्स कैसा होता है आपका कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर का बॉक्स होता है और उसमें जितना आरबीसी प्रेजेंट होगा उसी को हम टर्म कह देते हैं आरबीसी काउंट। मेल में कितना होता है 5.5 मिलियन, फीमेल में कितना होता है 4.5 मिलियन, न्यूली बॉर्न बेबी में कितना होता है 6.8 मिलियन, रैबिट में भी लिख रखा है 7 एंड फ्रॉग में 0.4। फिलहाल इन दो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन तीन पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मेल में कितना होता है 5.5 मिलियन पर क्यूबिक, फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एंड न्यूली बॉर्न बेबी में 6.5 मिलियन पर क्यूबिक आरबीसी प्रेजेंट होता है ब्लड में। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो बोला कि अगर आरबीसी काउंट इंक्रीज हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। मींस अगर किसी में आरबीसी काउंट जैसे लिख रखा है कि मेल में 5.5 मिलियन है, अब इससे बढ़ के 6 हो जाए 7 हो जाए तो उसको हम टर्म कह देते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर कंडीशन वे कंडीशन कब आपको दिखाई देती है, जब हिल स्टेशन की बात करो मैं, जो ज़्यादा पहाड़ी वाली इलाकों में लोग रहते हैं उन पर आरबीसी काउंट बढ़ती है, मीन्स आरबी काउंट ज़्यादा होती है, ठीक है। और बोला कि डिक्रीज की हम बात करें तो डिक्रीज कब होता है आरबीसी काउंट, तो जब आरबीसी काउंट अगर किसी की बॉडी में डिक्रीज हो नॉर्मल काउंट से तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। ये तो टर्म आपने पहले से ही पता है, एनीमिया मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना, तो एनीमिया मतलब अगर पर क्यूबिक मिलीमीटर अगर हम ब्लड की बात करें उसमें आरबीसी काउंट नॉर्मल से कम है, मीन जैसे आप ने बोला कि ह्यूमन में 5.5 मिलियन होना चाहिए इससे कम है, तो उसको हम टर्म क्या देंगे, एनीमिया टर्म देंगे। नेक्स्ट हम सेकेंड बात करेंगे ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स की, तो वाइट ब्लड कार्बो सेल्स क्या होते हैं, अगर हम वाइट ब्लड कार्बो सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड कार्बो सेल्स को दूसरे टर्म हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और टीएलसी मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब जैसे अभी आपने बोला ना आरबीसी आरबी काउंट मतलब टोटल आरबीसी काउंट पढ़ते हैं, वैसे टीएलसी मतलब क्या बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एवरेज हम बोले इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है 1-4 डेज, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना परसेंट होगा, तो 8000 से 11000 मिलीमीटर क्यूब,
एवरेज 10,000 हम पढ़ सकते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, इंक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अगर टीएलसी काउंट बढ़ने लगे तो उसको हम कह देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ऐसा कंडीशन कब होता है, जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें क्या होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट के बढ़ने, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूबीसी मेनली क्या काम करता है, एंटीबॉडी की जैसे भी काम करता है पैथोजन के को से फाइट करने, या वो तो फाइगोसाइटोसिस का भी काम करता है। बोला है नेक्स्ट हम ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट, मीन्स अगर पर मिलीमीटर क्यूब में जितना ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब 10,000 की आपने बात की, अगर उससे डिक्रीज हो तो उसको हम कह देंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया। और नॉर्मली ल्यूकोसाइटोपेनिया काउंट इंक्रीज होता है, आपने बोला बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में, बट जैसे आपने बोला कि जैसे अदर इन्फेक्शन है जैसे टाइफाइड है, एड्स है, इसमें ल्यूकोसाइट काउंट क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। आपने पढ़ा होगा एड्स वाले केस में क्या होते हैं, बॉडी की ये जो इम्यूनिटी है वो खत्म होने लगती है, क्यों, क्योंकि उनमें टीएलसी काउंट क्या होती है डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब होता है एबनॉर्मल इंक्रीज होना ल्यूकोसाइट काउंट का, यानी टीएलसी काउंट एबनॉर्मल अगर इंक्रीज हो, बोला है मोर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से ज्यादा हो जाए, उसको हम टर्म देते हैं ब्लड कैंसर। में तो ब्लड में अब उसने पढ़ा ना, ब्लड में भी ये अगर आप बोलते हो कि आरबीसी अगर कैंसर वेरे अगर ब्लड कैंसर पेशेंट में देखें तो वहाँ पे देखे टीएलसी काउंट एबनॉर्मली बढ़ता है। टीएलसी काउंट क्या होता है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, और क्या होता है बहुत ही हाई हो जाता है, 1 लाख से भी ज़्यादा हमें वहाँ पे दिखाई देता है, तो उसको हम टर्म कह देते हैं वहाँ पे ल्यूकेमिया। अगर हम ब्लड को क्लासीफाई करें, तो अगर हम ब्लड ब्लड को क्लासिफाई करें तो ब्लड दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ए वर्ड का मतलब बायोलॉजी में एबसेंट होता है, तो ए ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं एबसेंट होते हैं। अब फिर ग्रेनुलोसाइट को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, बोला स्टेनिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एंड द शेप ऑफ न्यूक्लियस। मतलब स्टेनिंग के बेसिस पे उसका साइटोप्लाज्मिक, मतलब उनके साइटोप्लाज्म में कैसा ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड थर्ड उसका न्यूक्लियस कैसा है। इन 3 के बेसिस पे हम इसको किस में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में। कौन कौन से टाइप हैं, फर्स्ट है आपका न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड है आपका एसिनोफिल्स, एंड थर्ड है आपका बेसोफिल्स। बोला न्यूट्रोफिल्स टोटल ल्यूकोसाइट का कितना फॉर्म करता है, 40 to 75%। एसिनोफिल्स ग्रेनोसाइट्स का टोटल कितना पार्ट फॉर्म करता है, 1 to 6%। एंड बेसोफिल्स कितना करता है, 1 to 6%। सेम वैसे ही एक ग्रेनोसाइट्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में। मोनोसाइट 2 to 10% पार्ट को फॉर्म करता है, एंड लिम्फोसाइट कितना फॉर्म करता है, 20 to 45% पार्ट को क्या करता है, फॉर्म करता है। यहाँ पे एक टेबल टेबल फॉर्म किया गया है, इस टेबल में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स और उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया है करेक्टर बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कई सारे उसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला है करेक्टरिस्टिक, मतलब लिम्फोसाइट क्या है, मोनोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जिसको दूसरे टर्म में हम एसिटोफिल्स भी बोलते हैं, कितना नंबर परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लिम्फोसाइट 20 to 25%, मोनोसाइट 2 to 10%, एसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%, न्यूट्रोफिल्स या एसिटोफिल्स कितना होता है, 60 to 65%। ग्रेन्यूल्स की बात करें तो एबसेंट होता है लिम्फोसाइट में, इसमें भी मोनोसाइट में भी एबसेंट होता है। बोला है कि एसिनोफिल्स में कैसा होता है आपका, मतलब बोला है कोर्स, मतलब बहुत 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 सारा क्लियर नहीं दिखाई देते, थोड़ा मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स में भी क्या होता है फाइन स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। अगर हम बात करें स्टेनिंग की, तो बेसोफिलिक स्टेनिंग मतलब हम क्या बोलते हैं और मोनोसाइट की भी अगर स्टेनिंग की बात करें साइटोप्लाज्म की, तो भी बेसोफिलिक होता है, यानी ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है। एसिनोफिल्स की बात करते हैं, एसिनोफिलिक होता है इसकी स्टेनिंग, और फिर बेसोफिल में तो बेसोफिलिक होता है, और न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिलिक होता है। यानी यहाँ पे हम दोनों तब की स्टेनिंग, आप एसिड बेस स्टेनिंग की बात करते हो, वहाँ पे दोनों स्टेनिंग वगैरह को हम देखेंगे। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो लिम्फोसाइट में राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोनोसाइट में बीन शेप होता है, एसिनोफिल्स में बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल में ऐसे थ्री लोब न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब होता है। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट डिस्कस करें साइट ऑफ फॉर्मेशन की,
तो जो आपका लिम्फोसाइट है वो फॉर्म होता है लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, हेयर पल्सेज, बोन मैरो से। मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट बोन मैरो, बाकी जितने भी है इसमें पिल्स, बेसोफिल्स, नेट्रोफिल्स, ये सारे कहाँ से फॉर्म होते हैं? बोन मैरो से। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन लिम्फोसाइट की फ्यू डेज होते हैं या तो कुछ साल की भी हो सकती है। मोनोसाइट में 10 to 20 hours की होती है, और अगर हम बात करें तो कुछ मंथ की भी हो सकती है और ईयर्स भी हो सकती है। इसमें पिल्स की बात करें तो 4 to 8 hours होती है ब्लड में, एंड 4 to 5 days हो सकती है टिश्यू में। वैसे पिल्स की बात करें तो 4 to 8 hours होती है ब्लड में और 5 days होती है टिश्यू में। सेम वैसे न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 4 to 8 hours होती है ब्लड में, 4 to 5 days होती है टिश्यू में। अगर फंक्शन की बात करें तो लिम्फोसाइट का जो फंक्शन है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, मोनोसाइट फेगोसाइटिक नेचर का होता है, हम बाहर बैक्टीरिया या अलग पैथोजन वगैरह को इंगल्फ कर सकता है। इसमें फिल्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में, एंटी एलर्जिक एक्शन देता है। बेसोफिल्स का काम है सिक्रीशन करना हेपरिन का, हिस्टामिन का और सेरोटोनिन का। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो इसका काम होता है फैगोसाइटिक नेचर का होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो थ्रोम्बोसाइट्स की या प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स को दूसरे टर्म में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। मेनली ये क्या है, सिर्फ मैमल में ही प्रेजेंट होते हैं। अदर वर्टिब्रेट की बात करें तो अदर वर्टिब्रेट में क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। अगर हम इसमें बोले स्पिंडल कॉर्पस सेल प्रेजेंट इज परफॉर्म सेम फंक्शन, अदर वर्टिब्रेट में प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स की जगह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल कॉर्पस सेल प्रेजेंट होते हैं जो सेम फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं प्लेटलेट्स की वजह से। बोलते हैं नॉन म्यूटेटेड होते हैं। अगर हम शेप की बात करें प्लेट्स की तो डिस्क लाइक हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, बाइकॉनवेक्स हो सकता है। साइज की बात करें तो 2 से 3 माइक्रोमीटर का हो सकता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो साइज 2 to 3 माइक्रोन का हो सकता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो 2 to 4 days या 5 days का हो सकता है। काउंट मतलब प्लेटलेट्स काउंट की बात करें तो 1 to 5 से लेके 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में इसकी काउंट हो सकती है। अगर हम बात करें तो अगर किसी के ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होता है तो उसको हम टर्म देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सेम वैसे अब ऐसा कंडीशन कब दिखाई देता है, तो ऐसा कंडीशन बोला है कि जब कोई पर्सन है जैसे बोला है कि जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज बोला, एक लिमिट है, क्रिटिकल कंडीशन है काउंट की डिक्रीज होने की। तो मलेरिया वाले केस में ब्लड प्लेटलेट्स काउंट वगैरह डिक्रीज होने लगते हैं। तो अमाउंट काउंट कितना है थ्रोम्बोसाइट के लिए, 40,000 मिलीमीटर पर, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे भी कम होता है तो डिक्रीज होने लगता है प्लेटलेट्स काउंट, तो एक रेड स्पॉट या रैसेज अपीयर होते हैं स्किन के ऊपर, जिसको हम टर्म देते हैं पर्पूरा डिजीज। फंक्शन, ये ब्लड वेसल्स से एंडोथेलियम या वैस्कुलर सिस्टम को रिपेयर करने का काम भी करता है। बोल सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बोल रहे हैं सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करने का भी काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर की, तो क्लॉटिंग फैक्टर मेनली 13 फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। ये फैक्टर मेनली लीवर के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसमें विटामिन के काफी रोल प्ले करता है इनके फॉर्मेशन में। कौन कौन से फैक्टर, और इन फैक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रोमन नंबर से? कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट फाइब्रिनोजन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम या को फैक्टर जिसको हम टर्म बोलते हैं, मीन्स कई सारे ये फैक्टर के साथ कंबाइंड होके एक्टिवेट करता है डिफरेंट टाइप्स के, आप बोल सकते हो कि फैक्टर को। फिफ्थ है आपका प्रो एसिलरीन, सिक्स है आपका एसलरीन, सेवन है आपका प्रो कन्वर्टिन, एट से फिर सेवन में दूसरा तो है ASG, या 8 नंबर पर जो है उसको हम बोलते हैं एंटी हीमोग्लोबिन हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर, जिसमें बोला एबसेंटिन हीमोफिलिया, जिसमें हीमोफिलिया पेशेंट में क्या होता है ASG फैक्टर क्या होता है, एबसेंट हो जाता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग अपने नहीं होता है। 9th नंबर को हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, और 10th को हम क्या बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर, 11 नंबर को हम बोलते हैं PTA या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और 12th नंबर को हम क्या बोलते हैं हैगमैन फैक्टर, एंड 13th को हम क्या बोलते हैं FSF फैक्टर, या दूसरे बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। मीन्स जो आप बोलते हो ना फाइब्रिन फॉर्म होते हैं मोनोमर, उनकी पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होता है 13 नंबर फैक्टर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल ये इन सारे फैक्टर का रोल हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं ब्लड क्लॉटिंग में, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है,
वो सारी चीज़ें हमें पता है, तो फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करना, बट एनुअल टिश्यू के पार्ट में हमें ब्लड को भी पढ़ना है, तो हमें इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे लिम्फ की। तो एक्चुअली लिम्फ क्या होता है, पूरा लिम्फ को मिडिल मैन भी बोलते हैं। मीन्स हमारे जो ब्लड है और जो टिश्यू है उसके बीच की जो आप बात करते हो फ्लूइड है, या उसको हम टर्म कह देते हैं लिम्फ। और लिम्फ करता क्या काम है, अब बोला कि जो ब्लड से क्या होता है आसानी से जो कैपिलरी से जो कुछ जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है वो परमिएबल होते हैं, और वो उसको हम टर्म कह देते हैं लिम्फ बोलते। तो लिम्फ क्या है, मिडिल मैन का काम करता है। बोलते हो कि बॉडी टिश्यू और ब्लड के बीच का जो पार्ट है उसको हम टर्म कह देते हैं लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ एक ब्लड का फिल्टर है, और उसमें क्या है आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं एबसेंट होते हैं। अगर हम बात करें ब्लड की, जैसे लिम्फ में भी क्या होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ ऑर्गन है, मतलब लिम्फ ऑर्गन मतलब स्प्लीन, ये सारे क्या है प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें लिम्फ में, तो लिम्फ का मेन काम क्या है, गैस का ट्रांसपोर्ट करना, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, फॉरेन पार्टिकल्स को भी डिस्ट्रॉय करना, और मतलब अलग कोई बैक्टीरियल डीएनए चाहे वायरल डीएनए बनाता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम लिम्फ का होता है। एब्जॉर्प्शन काम करता है, फैट सोलेबल विटामिन को क्या करता है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट आप बोलते हो कि जो मेंटेनेंस का करने का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है मेंटेन रखता है, कि ब्लड में जो चीज़ें जा रही हैं जैसे कोई कोई जो वेस्ट पार्ट वगैरह है वो क्या होते हैं, या जो चीज़ें ब्लड में अगर कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है, या बोल सकते हो कि अगर ब्लड फ्लूड जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें उसका वॉल्यूम हमेशा मेंटेन रहे, उसमें हेल्पफुल करता है आपका लिम्फ का काम। मेरे लास्ट काम क्या है, प्रोटेक्शन का भी काम है। नेक्स्ट हम टर्म देंगे सीरम। सीरम सीरम को हम डिस्कस अगर करें, तो सीरम का एक कलरलेस लिक्विड है। बोला है कि जब हम ब्लड को बोलते हैं अलाउड टू क्लॉट, ब्लड जब बोलते हैं क्लॉट होने लगता है, वाइल ए स्ट्रॉ कलर फ्लूड क्या होती है ऊपर सीन होती है। जैसे आप देखो तो पैथोलॉजी में अगर हम ब्लड वगैरह देते हैं कुछ टाइम पर, ब्लड छोड़ देते 2 से 4 मिनट के बाद ब्लड क्लॉट होने लगता है, क्लॉट होने के बाद ऊपर क्या है ट्रांसपेरेंट फ्लूड दिखाई देता है व्हाइट कलर की, उसी को हम टर्म कह देते हैं सीरम बोलते हैं। सीरम को हम ऑप्टेन कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज के, ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें मास एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक एक आरपीएम पे रेट पर मिनट पे, तो वहां पर क्या देखेंगे सीरम को हम फाइंड कर सकते हैं। सीरम का यूज हम करते हैं एंटीबॉडी और वैक्सीन के प्रिपरेशन में। डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी और वैक्सीन क्या है सीरम के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं। उसमें अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू को, और फिर हम किसको डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू को आगे डिस्कस करेंगे।